ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 18। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि च एव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि समभाव से देखते हैं। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं मानता। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चंडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं अथवा योनि के अनुसार कुत्ता गाय तथा हाथी भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में ये शरीरगत भेद अर्थहीन होते हैं। इसका कारण परमेश्वर से उसका संबंध है और परमेश्वर परमात्मा में हर एक के हृदय में स्थित है। परम सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक ज्ञान है। जहाँ तक विभिन्न जातियाँ या विभिन्न योनियों में शरीर का संबंध है, भगवान सबों पर समान रूप से दयालु हैं, क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं। फिर भी जीवों की समस्त परिस्थितियों में वे अपना परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हैं। परमात्मा रूप में भगवान चांडाल तथा ब्राह्मण दोनों में ही उपस्थित रहते हैं, यद्यपि इन दोनों के शरीर एक से नहीं होते। शरीर तो प्रकृति के गुणों के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं। परंतु आत्मा तथा परमात्मा की यह समानता उन्हें मात्रात्मक दृष्टि से समान नहीं बनाती, क्योंकि व्यष्टि आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित होता है, किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए वह सचमुच ही विद्वान तथा समदर्शी होता है। आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान हैं, क्योंकि दोनों चेतन शाश्वत तथा आनंदमय हैं, किंतु अंतर इतना ही है कि आत्मा शरीर की सीमा के भीतर सचेतन रहता है, जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन है। परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी शरीरों में विद्यमान है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनी चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। यहां वास्तविक ज्ञान या विद्या उसके बारे में बताया गया है और जो व्यक्ति में ये विद्या है उसके लक्षणों के बारे में बताया गया है। विद्या विनय संपन्न, जो व्यक्ति वास्तविक विद्या धारण करता है तो इसका गुण है विनय। श्री प्रभुपाद यहां अनुवाद में लिखते हैं विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण। तो वर्तमान जो समय है ये विद्या उपार्जन का समय है ना। हम देखते हैं इतने सारे कॉलेजेस और सब लोग का उद्देश्य है पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अभी कोई ग्रेजुएट है तो उसका कोई मूल्य नहीं है, सब ग्रेजुएट है, सब इंजीनियर है। भारत में दो चीज है, डॉक्टर और इंजीनियर, और जो बच गए तो चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये स्थिति है, सबको डॉक्टर इंजीनियर बनना है। तो ये विद्या विद्या विद्या, लेकिन ये विद्या का परिणाम क्या है हम नहीं देखते। कोई विनम्र है, स्थिति कैसी है, पूरा दम अहंकार सबके सिर पर चढ़ा हुआ है ना। हर एक व्यक्ति सोचता है मैं कुछ विशेष हूं, है ना। इसी कारण अभी स्थिति है कि इंजीनियर बन गए हैं और जॉब है नहीं, इसलिए तो ना इंजीनियर का काम कर सकते हैं ना ही एक साधारण व्यक्ति का काम कर सकते हैं। कोई स्थिति नहीं है, बीच की स्थिति है ना। ऐसा नहीं कि मैं कोई साधारण कार्य कर सकता हूँ, नहीं कर सकता कि मैं इंजीनियर हूँ तो ये मेरी जो डिग्री है, ये जो मेरी उपाधि है, ये सिर पर, हाँ आई एम समथिंग, मैं नीचे नहीं झुक सकता, मैं घर का कार्य भी नहीं कर सकता। तो ये स्थिति है। लेकिन हम देखते हैं जो व्यक्ति वास्तव में विद्या उपार्जन करता है तो उसका लक्षण होगा स्वतः विनम्रता, विनय, ये नेचुरल है। जैसे हम देखें कि कोई व्यक्ति जो इतिहास को पढ़ रहा है, ये सब जो विषय है इतिहास, इस ब्रह्मांड की रचना को पढ़ना, अंतरिक्ष विज्ञान को समझना, आज इन सब विषयों में बहुत रुचि है ना लोगों की। तो अगर हम इतिहास को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे इतनी सारी महान सभ्यता आई, इतने सब महान महान राजा आए, लेकिन सब नष्ट हो गए। अशोक, नेपोलियन, ऐसे बड़े बड़े राजा आए। यहां भोपाल के भी कोई राजा होंगे, 200 वर्ष पहले यहां के कोई राजा होंगे। आप में से कितने लोग हैं जो भोपाल के राजा का नाम जानते हैं? उसके बाद ऐसे कई राजा आए, जब नवाब शासन था कितने सारे नवाब थे यहां पर, कोई जानता है उनका नाम नहीं। समय सब कुछ समाप्त कर देता है। तो ये स्थिति है कि वास्तव में कोई विद्या उपार्जन करेगा, इतिहास को गंभीरता से पढ़ने का प्रयास करेगा तो वो जानेगा इतने सारे महान महान राजा आए जिनका यशोगान होता था, उस समय वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, लेकिन आज उनका कोई अस्तित्व नहीं है, आज उनको कोई भी नहीं पहचानता है। तो स्वाभाविक है उसके लिए समझना कि मेरा जीवन भी इसी तरह से है। आज मैं सोच रहा हूं मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूं, मेरा बहुत बड़ा घर है, मेरी इतनी सारी गाड़ियां हैं, इतने सारे लोग मुझे सलाम कर रहे हैं, लेकिन कुछ साल के बाद मेरा इस जगत में कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, नगण्य। जैसे जो ऐसे कई वैज्ञानिक हैं जो विज्ञान को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, कैसे उत्पत्ति हुई, जगत की उत्पत्ति कैसे हुई,
तो उनकी थोड़ी प्रामाणिकता के कारण वे समझ पाते हैं कि जो सृष्टि है इसका 1% भी ज्ञान हमें नहीं है। सृष्टि की रचना कैसे हुई, सृष्टि कैसे कार्य कर रही है, उसका 1% भी ज्ञान हमें नहीं है। जैसे ऐसे कई वैज्ञानिक कहते हैं कि मैं समुद्र को समझने के लिए प्रयत्न कर रहा हूं लेकिन मैं तो अभी छोर पे खड़ा हूं। इस सृष्टि को समझना मतलब कितने रेत के कण हैं ये समझना। तो जो व्यक्ति वास्तविक इस प्रकार से विद्या अर्जन करता है वो समझ सकता है कि सीमित बुद्धि है, सीमित जीवन है, सीमित शक्ति है, मैं तो नगण्य व्यक्ति हूं। उसके साथ साथ स्वाभाविक चीज होगी कि विनम्रता उत्पन्न होगी, मेरा कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, लेकिन जो वास्तव में विद्या उपार्जन नहीं कर रहा है वो दंभ और अहंकार से मोहित होगा। जैसे आज बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जो कहते हैं भगवान एक बहुत बड़ा भ्रम है, भगवान है किसी ने देखा है, गॉड डिल्यूजन पुस्तक लिखते हैं। वे वास्तव में नास्तिक नहीं है, वे तो भगवान के अस्तित्व का विरोध करते हैं। नास्तिक मतलब जो भगवान में नहीं मानता है। लेकिन ये कैसे लोग हैं, एंटीथीस्ट, मतलब भगवान का अस्तित्व नहीं है उसको साबित करने का पूरा जोर शोर से प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसे मूर्ख व्यक्ति हैं। तो ये पुस्तकें लिखते हैं कि भगवान एक भ्रम है, या भगवान है भी तो भगवान का क्या मन है इस सृष्टि के पीछे हम कुछ ही समय में जान जाएंगे। और हमारे प्रयोगशाला में भी हम सृष्टि बहुत सारी चीजें जीव उत्पन्न करेंगे। तो इस तरह से ये पूरा वर्तमान विचार चल रहा है। तो हम समझ रहे हैं कि विद्या का लक्षण होगा विद्या विनय ना, वो समझ पाएगा विद्या तो अनंत है। अगर कोई इंजीनियरिंग पढ़ रहा है तो समझ पाएगा इंजीनियरिंग तो इतना विशाल सब्जेक्ट है, मुझे इसमें थोड़ा सा मेरा अनुभव नहीं है। मूर्ख व्यक्ति ऐसा कहते हैं मैं सब जानता हूं। जैसे श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, ब्रह्मा जी जब भगवान को अपनी प्रार्थना कर रहे हैं तो ब्रह्मा जी इस जगत के प्रथम जीव हैं, भगवान द्वारा उनको ये दिव्य ज्ञान उनके हृदय में प्रदत्त किया गया है। तेने ब्रह्म हृदा आदि कवये, श्रीमद् भागवतम का पहला श्लोक में वर्णन है, आदि कवि है ब्रह्मा जो इस सृष्टि करते हैं, इस पूरी सृष्टि ब्रह्मा जी द्वारा होती है। तो ब्रह्मा जी दशम स्कंद में अपनी प्रार्थना में कहते हैं जानंतम जानंत एव जानंतु किम बहुक्त्या न मे प्रभु। बहुत लोग हैं जो कहते हैं मैं भगवान को जानता हूं। जो भी भक्त प्रचार में जाते हैं उनका अनुभव होगा, हम पुस्तक वितरण में जाते हैं सब बोलते हैं हाँ हमारे भी गुरु है, हमको भी भगवान के बारे में सब पता है, हमको तो पूर्ण ज्ञान है। कई बार ऐसे वाक्य कहते हैं कि फूल को मुरझाने में देर हो सकती है लेकिन परमात्मा को जानने में देर नहीं होती है। इसी तरह से ऐसा उनका विचारधारा है। लेकिन ब्रह्मा जी जो पहले जीव भगवान द्वारा जिन्हें दिव्य ज्ञान दिया गया, ब्रह्मा जी कहते हैं जो ऐसा कहते हैं कि मैं आपको जानता हूं मैं आपको जानता हूं, उनको कहने दो मैं आपको जानता हूं, आपको कोई नहीं जान सकता। यस्यानंतम न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमद् भागवतम 12वें स्कंद में यह श्लोक वर्णन आता है कि जिनकी स्तुति ब्रह्मा वरुण रुद्र इत्यादि करते हैं, जिनका ध्यान योगीजन अपने हृदय में करते हैं, जिनकी स्तुति वैदिक शास्त्र द्वारा होती है, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, उनका आदि अंत उनके व्यक्तित्व को जानना किसी के लिए संभव नहीं है। न विदु सुरा सुर गण, सुर असुर सब मिलकर भी भगवान के व्यक्तित्व को नहीं जान सकते। ये शास्त्र में बार बार वर्णन है वेदेशु दुर्लभ। कोई सोचता है मैं शास्त्र के ज्ञान से पंडित बनकर भगवान को जान लूंगा या परम सत्य को जान लूंगा, वेदेशु दुर्लभ नहीं जान सकता। अर्जुन भी भगवद गीता में 10वें अध्याय में कहते हैं जब वे भगवान को संबोधित करते परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवाम, तो वहां अर्जुन कहते हैं आहुस्त्वाम ऋषय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असीतो देवल व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे।
फिर अर्जुन कहते हैं नहीं ते भगवान व्यक्तिम विदुर देव न दानव। भगवान आपके व्यक्तित्व को समझना किसी के लिए संभव नहीं है। तो ये आज विचार चल रहा है कि हमारे ज्ञान से हम सब चीज जान जाएंगे, हम सब चीज जान जाएंगे, लेकिन जितना हम ज्ञान में आगे बढ़ेंगे हम समझेंगे कि हम कुछ भी नहीं जानते हैं। हमारी शक्ति नहीं है, हमारे पास बुद्धि नहीं है, हमारे पास माध्यम नहीं है। हाँ, ये वास्तविक ज्ञान तभी जान पाएंगे जब ये ज्ञान हमारे सामने प्रकाशित होता है। ये ज्ञान जब हमारे सामने प्रकाशित होता है, जो परम सत्य है वे स्वयं जब हमारे सामने अपने आप को प्रकाशित करते हैं तब हम उनको जान पाएंगे। तो विद्या और विनय, तो यहां आप इस अध्याय में वास्तविक विद्या का वर्णन है। विद्या क्या है? विद्या है इंजीनियरिंग, मोबाइल फोन कैसे बनाना, प्रभुपाद कहते हैं नट बोल्ट का साइंस, ये विज्ञान। कुछ उपकरण बनाना, आज हम देखते हैं बहुत सारे ऑटोमेटेड चीज हैं, सब चीज ऑटोमेटिक चल रही है। पहले कपड़े हाथ से धोने पड़ते थे, अभी सब ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन है ना सबके घर में, कपड़े डाले, बहुत नॉलेज है। ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, हाँ ऐसा अलग अलग सब विद्या है। तो क्या वास्तविक विद्या क्या है? यहाँ इस अध्याय में बताया है वास्तविक विद्या है चीजों को यथारूप जानना, और उस यथारूप चीजों में जानना सबसे पहली चीज है मैं कौन हूं ये जानना। इसे भगवान कहते हैं रहस्यम ही एतद उत्तमम, सबसे बड़ा रहस्य यही है। इस जगत में कोई जानता ही नहीं मैं कौन हूं। जैसे एक पागलखाना मेंटल हॉस्पिटल, उसमें हम जाएंगे तो कोई व्यक्ति अपने आप को कह रहा है मैं प्रधानमंत्री हूं, कौन है मैं नरेंद्र मोदी हूं, हाँ? कोई कहेगा मैं विराट कोहली हूं, इस प्रकार से सब अपना परिचय देते हैं, लेकिन वास्तव में वो ऐसे नहीं है। एक बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकता है कि वे लोग पागल हैं, वो प्रस्तुत कर रहे हैं जो वो नहीं है। तो इस तरह से वास्तविक विद्या है उसकी शुरुआत होती है जानना मैं कौन हूं, हु एम आई। ये महान व्यक्ति, जो महान महान व्यक्ति हैं, ये जानने का प्रयास करते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु से जब पहली बार सनातन गोस्वामी मिले तो सनातन गोस्वामी इतने विद्वान, वे नवाब हुसैन शाह कलकत्ता के जो नवाब हैं उनके उच्च मंत्री, दो भाई हैं रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, एक है प्रधानमंत्री एक है वित्त मंत्री। तो वे इतने विद्वान, संस्कृत फारसी हाँ ऐसी सभी भाषाओं में निपुण, पूरा राज्य का प्रशासन संभाल रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु से जब मिलते हैं तो ये प्रश्न करते के आमी मैं कौन हूं, केने अमाया जारे तापत्रय। ये तीन प्रकार के ताप, आध्यात्मिक आधिदैविक आधिभौतिक, सबको पीड़ा दे रहे हैं, मुझे भी पीड़ा दे रहे हैं और मैं नहीं चाहता हूं, फिर भी ये क्यों हो रहा है? यह नहीं जानी के मन हित है, अगर मैं ये नहीं जानूंगा तो मेरा हित कैसे होगा। तो हम इस वर्तमान जगत में देख रहे हैं ये स्थिति है ना, सब बड़े बड़े पीएचडी है, डॉक्टर तो दूसरे भी डॉक्टर हैं और तीसरे भी डॉक्टर हैं, कोई इकोनॉमिक्स में डॉक्टर है, कोई मेडिसिन में डॉक्टर है, कोई फिजिक्स में डॉक्टर है, कोई मैथमेटिक्स में डॉक्टर है, ऐसे सब डॉक्टर हैं, लेकिन वो डॉक्टर नहीं जानते कि उनकी क्या बीमारी है, वो कौन है वो नहीं जानते। वे सब की ये पहचान अज्ञान में है कि मैं ये शरीर हूं, आई एम दिस बॉडी, ये उनकी पहचान है। श्रील प्रभुपाद जब रशिया गए तो बार बार, ये बहुत बार श्रील प्रभुपाद अपने प्रवचन में वर्णन करते, वहां बहुत बड़े प्रोफेसर से मिले, उनका नाम था प्रोफेसर कोटोवस्की। तो प्रोफेसर कोटोवस्की क्या थे, डॉक्टरेट पीएचडी किस में, भारतीय शास्त्रों में, वैदिक शास्त्रों में, और वैदिक शास्त्र का मुख्य आधार है आत्म तत्व को समझना, मैं कौन हूं, इसी से तो शुरुआत होती है आत्म तत्व को समझना। तो श्रील प्रभुपाद उनको पूछ रहे हैं कि डॉक्टर कोटोवस्की की मृत्यु के बाद क्या होता है, जो आत्मतत्व को समझ रहा है, जैसे भगवद्गीता की पहली शिक्षा है ना, भगवान इस आत्मतत्व को समझा रहे हैं, भगवान परम ज्ञान दे रहे हैं,
जो आज के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में नहीं है। आप किसी भी विद्यालय में चले जाइए, किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए आप कौन हैं, तो वही देंगे, मैं मिस्टर सचिन सर, मैं मिस्टर सिंह हूं, मैं संतोष कुमार हूं, और क्या है, मैं पीएचडी हूं इसमें। हाँ, ये कैसा है, देहात्म बुद्धि, शरीर की पहचान, ये तो सामान्य पशुओं में मिलती है। जैसे अगर आप गंभीरता से अध्ययन करेंगे, जब किसी पशु के बच्चों का जन्म होता है, जैसे कुत्ते हैं उनका जन्म होता है, जस्ट जन्म हुआ है, कुछ घंटे हुए हैं और वो कहीं पर बैठे हैं, अगर कोई मनुष्य वहां जाता है वो भौंकना शुरू कर देते हैं, भाव 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 भाव, तुरंत ही, मैं कुत्ता हूं, मेरा कार्य है भौंकना, ये उनका पहचान है। मैं पूर्व जन्म में क्या था, विस्मरण, इस जन्म में क्या कार्य है, भाव भाव भाव, ये कार्य है। तो ये स्थिति है, सबकी ये स्थिति, मैं मिस्टर सचिन सच, ये मेरा घर, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा परिवार, ये मेरा राज्य, ये मेरा खाना पीना, ये मेरा सोना, यही उनका जीवन है। तो भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि जो आत्मतत्व को समझता है, हाँ, वो जानता है, कौमारम यौवनम जरा, बाल्यावस्था थी, अभी युवावस्था है, कुछ समय के बाद वृद्धावस्था आएगी। हमारे आचार्यगण कहते हैं वृद्धावस्था, जब वृद्धावस्था आती है तो सब सुख चला जाता है, दुख आता है, खा नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, देख नहीं सकते, ये स्थिति है। तो वृद्धावस्था आएगी और वृद्धावस्था के बाद ये शरीर छोड़कर एक और शरीर लेना पड़ेगा। ये धीर व्यक्ति, ये बुद्धिमान ज्ञानी व्यक्ति का लक्षण है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति, तथा देहांतर, ये शरीर को छोड़कर एक और शरीर में प्रवेश करेंगे, धीरस्तत्र न मुह्यति, धीर व्यक्ति इस परिवर्तन से विचलित नहीं होता, वो जानता है, स्वाभाविक है। जैसे बाल्यावस्था से युवावस्था, युवावस्था से जरावस्था, इस प्रकार से ये शरीर को छोड़कर एक और शरीर लेना ही पड़ेगा, जैसे मैंने कार्य किया है। तो प्रोफेसर कटोस की है, वो कहते हैं मृत्यु के बाद कुछ नहीं होता, सब समाप्त। तो वास्तव में ये विद्या नहीं है, विद्या मतलब जानना हम कौन हैं, जीवात्मा, ये जगत क्या है, ये जगत कैसे कार्य कर रहा है। जैसे पूर्व श्लोकों में हमने देखा कि ये जगत कैसे कार्य करता है, प्रकृति के तीन गुणों के माध्यम से, सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों के माध्यम से जगत कार्य कर रहा है। एक व्यक्ति सोचता है मैं करता हूं, करता हम इति मन्यते, लेकिन करता हम नहीं है, करता कौन है, प्रकृति के तीन गुण। प्रकृति के तीन गुण के अनुसार हमको एक प्रकार का शरीर मिलता है और अलग अलग प्रकार की स्थिति मिलती है। प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार अगर मुझे मिल गया एक शरीर कुत्ते का, तो मैं क्या करूंगा, जो उस कुत्ते का शरीर अनुमति देता है मैं भौंकूंगा। हाँ, इस प्रकार से प्रकृति के तीन गुण के अंतर्गत किसी को मनुष्य शरीर मिलता है तो वो कार्य करेगा जो मनुष्य शरीर द्वारा नीत है। उसमें भी अलग अलग गुण हैं, सत्वगुण प्रधान, यहां जैसे वर्णन है, ब्राह्मणे समादम तपस्सौचम शांतिरार्जवम एवच, तो ब्राह्मण के गुण उस अनुसार वो कार्य करेगा, एक क्षत्रिय के गुण उसके अनुसार वो कार्य करेगा, एक वैश्य, एक शूद्र, इस प्रकार के अलग अलग गुण के अतिरिक्त वो कार्य करेगा। तो वास्तविक ज्ञान है इन चीजों को समझना, मैं कौन हूं, प्रकृति क्या है, और इन दोनों का संचालक कौन है, भगवान कौन है, जो जीव और प्रकृति दोनों का नियंता है, कंट्रोलर, ईश्वर। तो ये वास्तविक विज्ञान है। तो यहां भगवान इस चीज को बता रहे हैं, विद्या विनय संपन्न, जो व्यक्ति वास्तविक विद्या में है वो कैसे देखता है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, वो एक ब्राह्मण को देखता है, ब्राह्मण मतलब उसी की तरह कल्चर्ड, संस्कृत, जिसका शुद्धिकरण हुआ है, जिसके सभी संस्कार हुए हैं, तो ब्राह्मण एक ब्राह्मण को देखता है, विद्वान ब्राह्मण है, पंडित है, उसको देखता है, गवि गाय को देखता है, हस्तिनी हाथी को देखता है, शुनी
शुनि मतलब एक कुत्ता, और स्वपाक, स्वपाक मतलब जो कुत्ते को खाने वाला। वर्णाश्रम व्यवस्था जो वैदिक व्यवस्था है उसमें चार श्रेणियां हैं। आगे के अध्याय भगवान कहते हैं चतुर वर्णियम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो ये समाज का विभाजन है, विशेष रूप से मनुष्य समाज का विभाजन। मनुष्य समाज मतलब वो नियंत्रित हो सकते हैं, पशु समाज को नियंत्रित करना बहुत ही कठिन है। इसलिए आप देखते हैं ट्रैफिक सिग्नल है मनुष्य के लिए है, गाय भैंस कुत्ते बिल्ली उनके लिए ट्रैफिक सिग्नल होती है नहीं, उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, कठिन है। मनुष्य समाज में कुछ स्कूल शिक्षालय इत्यादि, पशु समाज में मुश्किल है उनको प्रशिक्षित करना। तो ये वर्णाश्रम व्यवस्था में जो नियंत्रित हो सकते हैं उनकी अलग अलग श्रेणी है। जो सबसे सरलता से नियंत्रित हो सकते हैं वो ब्राह्मण वर्ग, सतोगुण प्रधान, स्वतः नियंत्रित हैं, समा दमा तपस शौचम, जिनका मन नियंत्रित है, इंद्रिया नियंत्रित हैं, जीवन तपश्चर्या का है, वो एक श्रेणी है। फिर क्षत्रिय रजोगुण प्रधान, थोड़ा कम नियंत्रण, इस प्रकार से वैश्य, और उससे नीचे है शूद्र, जिनके जीवन में नियंत्रण करना कठिन है, निद्रा आलस्य, इस प्रकार से तमोगुण प्रधान, समय मिलेगा तो। जैसे हम उदाहरण देखते हैं ना, जो इस प्रकार से श्रमिक सेवा ऐसा करते हैं उनके लिए यही है, अपने काम से 2-3 घंटे भाग के सो जाना कहीं पर, उनकी बुद्धि इसमें लगाते हैं। जैसे एक डाकिया होता है वो 9 बजे जाता है, 5 बजे ड्यूटी खत्म, और दिन में 3 घंटे सोता है कहीं गार्डन में जाके, तो ये उनका आनंद है। जबकि एक ब्राह्मण सोचेगा मेरे जीवन का समय बहुत कम है, ये मनुष्य जीवन बहुत बहुमूल्य जीवन है, भगवत साक्षात्कार के लिए मिला है, मेरा समय जा रहा है, कैसे भगवान को जानूं। उनका रमण या रुचि नहीं है सोने में, आध्यात्मिक प्रगति में रुचि है। तो इस प्रकार से अलग अलग वर्ग का विभाजन है। और इससे अतिरिक्त जो लोग हैं जिनका नियंत्रण हो नहीं सकता उनको कहते हैं जो वर्णाश्रम विधि के बाहर है। तो ऐसे वर्ग का यहाँ वर्णन है चांडाल, मतलब जो कुत्ते को खाते हैं, ऐसा मांस जो कोई नहीं खाता है, ऐसा वर्ग था कुत्ते के मांस को खाने वाला। तो यहां भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति वास्तव में विद्वान है, विद्या विनय से संपन्न है, वो इन सबको एक समान देखेगा। कैसे एक समान? एक ब्राह्मण के लिए भी वही आसन, और एक कुत्ते के लिए भी वही आसन, और एक कुत्ते को खाने वाले उसके लिए भी वही आसन। क्या इस प्रकार से भगवान समानता की बात कर रहे हैं? नहीं। इसलिए शिल्पराव बताते हैं कि सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चांडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अथवा योनि के अनुसार कुत्ता गाय तथा हाथी भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में ये शरीरगत भेद अर्थहीन होते हैं। शरीर के स्तर पे भेद हैं और उसके अनुसार आचरण होता है। एक ब्राह्मण के लिए यथोचित सम्मान होता है, यथोचित व्यवहार होता है। जैसे वैदिक संस्कृति के अंतर्गत गाय को घर में, घर के प्रांगण में रखना, कुत्ते को नहीं, कुत्ता घर के बाहर रहता है, पवित्र नहीं है। गाय है जिनकी सेवा रक्षा करनी है, हाँ, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, आज विपरीत स्थिति है ना, ये सब नहीं जानने से गाय बाहर कुत्ता घर के अंदर, मुख्य रूम में कुत्ता है, कुत्ता स्वामी है वास्तव में, और घर के लोग ही भी चेतना ऐसी है, वो भी उसी प्रकार से होते हैं, क्या खाना क्या पीना सब एक जैसा। तो यहां क्या वर्णन है, यहां वर्णन है कि कैसे विनम्र साधु पुरुष सबको एक समान कैसे देखते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि है चीजों को यथारूप देखना, तत्वतः वो बाह्य ड्रेस को नहीं देखते, बाह्य आवरण को नहीं देखते, वे जानते हैं कि वास्तव में ये अलग अलग शरीर हैं, प्रकृति के अलग अलग गुणों के द्वारा प्रदत्त है, पूर्व जीवन के कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार हमको इस जीवन में एक प्रकार का शरीर मिला है। प्रकृति ने किसी को मनुष्य का शरीर दिया, किसी को कुत्ते का दिया,
किसी को हाथी का दिया, किसी को गाय का शरीर दिया, और उस मनुष्य समाज में भी अलग अलग गुणों के कारण अलग अलग शरीर है, लेकिन वास्तविक इन सब शरीरों के भीतर कौन है? जीवात्मा, जो भगवान का नित्य अंश है। भगवान कहते हैं ममेवांश जीवलोके जीवभूता सनातनः। तो वास्तविक तत्व वस्तु को जानते हैं, तत्व वस्तु। बाह्य आवरण से, जैसे आज के समाज में हम देखते हैं ना, लोग बाह्य से, हमारा जो बाहरी अपीयरेंस है, जो पहनावा है, उससे परिचय करते हैं। इसलिए भारत में ऐसी मूर्खता है, भारत का वातावरण विदेश के वातावरण जैसा नहीं है। यहाँ बहुत गर्मी है और विदेश में बहुत ठंडी है, लेकिन फिर भी हम लोग हर अवसर में कहीं बाहर लोग हमको अच्छा देखे इसलिए सूट पहनते हैं, एकदम कोट टाई। गर्मी लग रही है लेकिन फिर भी, तो क्यों? क्योंकि बाह्य आवरण बहुत महत्वपूर्ण है। क्या हम कैसे पहनते हैं, भागवत में वर्णन है कि सुंदरता कैसे, चरित्र से सुंदरता नहीं देखी जाती कलयुग में। लावण्य केश धरणम, लावण्य मतलब सुंदरता कैसे, केश धरणम बाल कैसे हम बनाते हैं, हेयर स्टाइल क्या है। इसलिए अलग अलग आप देखते हैं, अलग अलग हेयर स्टाइल है सबकी। तो ये बाह्य अपीयरेंस से एक व्यक्ति को पहचाना जाता है, कैसे जूते पहने हैं, कैसे कपड़े पहने हैं, कैसी पेन पार्कर पेन है सबके पास, तो ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। और उसका चरित्र क्या है, अंदर क्या है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। हम देखते हैं ऐसे शास्त्र में अनेक उदाहरण हैं। जैसे महाभारत में एक स्वयंवर में अष्टवक्र ऋषि उस स्वयंवर में पहुँचते हैं और सभी क्षत्रिय गण हैं वहाँ पर। तो सभी क्षत्रिय अष्टवक्र ऋषि को देख रहे हैं, अष्टवक्र उनका शरीर जो है वो आठ अलग अलग भागों में मुड़ा हुआ, तो वे सब अष्टवक्र को इस तरह से देखते हैं। तो अष्टवक्र ऋषि वहां कहते हैं, मुझे लगा कि मैं क्षत्रियों की सभा में आया था, लेकिन ये तो चमार की सभा है। जो चमड़ी देखते हैं, आउटर स्किन, जो केवल बाह्य दर्शन करते हैं, ये समाज नहीं है। क्षत्रिय मतलब शास्त्र में पारंगत होते थे, ब्राह्मण है, शास्त्र पढ़ते थे, पढ़ाते थे, क्षत्रियों का ये ज्ञान होता था। इसीलिए ये ज्ञान भगवान अर्जुन को बता रहे हैं ना, क्योंकि ये दिव्य ज्ञान राज ऋषियों द्वारा आगे बढ़ाया जाएगा। तो वर्तमान में हमारा समाज कैसा है, केवल सब बाह्य बाह्य, कैसा घर है, कैसी गाड़ी है, कौन सी डिग्री है, कौन सी साड़ी है, कौन से गहने हैं, यही हम। और वास्तव में वो व्यक्ति अंदर से क्या है उसकी कोई जानकारी नहीं है। तो यहाँ वर्णन है कि जो व्यक्ति वास्तविक विद्वान है वो मूल चीज तत्वतः को जानता है कि हरे इस शरीर में जीवात्मा है जो भगवान का नित्य अंश है। और भगवान है परम पवित्र, पवित्रम परमम भवान, भगवान परम पुरुष वे है परम पवित्र, और भगवान का अंश भी है परम पवित्र। वर्तमान स्थिति में उसकी वास्तविक अवस्था को आच्छादित, प्रकृति के गुणों के अनुसार वो आच्छादित हो चुका है, ये आवरण है। जैसे हम देखते हैं एक बल्ब है, सफेद बल्ब, व्हाइट बल्ब, अगर उसके ऊपर हम एक रेड कलर, लाल कलर का प्लास्टिक लगाएंगे तो वो बल्ब कैसी रोशनी देगा, लाल रोशनी, लेकिन वो बल्ब लाल नहीं है, वो है सफेद। अभी आवरण है लाल, कभी पीला आवरण रहता है, कभी नीला आवरण रहता है, कभी हरा आवरण रहता है। इस प्रकार से अनंत जन्मों से हमारे पर अलग अलग आवरण है। अनादि कर्म फले पड़ी भवार्ण व जले, इस भवसागर में भगवान से विमुख होकर इस भौतिक जगत को आनंद करने की अभिलाषा, स्वामी बनने की इच्छा, ये हमारा आवरण है। और इस आवरण के कारण हम नाना प्रकार के शरीर ले रहे हैं, एक के बाद एक, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी गाय, कभी भैंस, कभी देवता, कभी फिल्म स्टार, कभी प्रधानमंत्री, कभी एक कीड़ा, ऐसी हमारी अलग अलग अवस्था है। तो जो साधु पुरुष हैं जानते हैं कि ये जीवात्मा है, और इस जगत में ये भी जानते हैं कि इसका दुख क्या है, इसका दुख है भगवान का विस्मरण, अज्ञान, भगवान को भूल गए हैं, ये इसकी वास्तविक दुखमय स्थिति है।
तो इसके लिए वे पूरा प्रयत्न करते हैं कैसे ये दुखमय स्थिति से बाहर निकले। तो यहां ये सब वर्णन है, विद्या क्या है, विनय क्या है, हाँ, एक समदर्शी व्यक्ति क्या है, समदर्शी ना। आज हम देखते हैं ये बहुत है ना, इक्वालिटी, समदर्शन, इगैलिटेरियनिज्म, ऐसे अलग अलग शब्द, सब समान है, कोई भेद नहीं है, सबके पास अपना अधिकार होना चाहिए, लेकिन भौतिक स्तर पर कभी भी समानता नहीं हो सकती। बाह्य रूप से हम देखते सब एक समान, भेद मत करो, एक क्लार्क है वो भी सेम, एक आईएएस ऑफिसर है वो भी सेम, सब एक समान, हम कोई भेदभाव नहीं करते। लेकिन फिर भी जो मर्सिडीज वाले हैं वो मर्सिडीज वाले के साथ ही रहते हैं, जो होंडा सिटी वाले हैं होंडा सिटी के साथ ही रहते हैं, उनका एक समाज है ना। बाह्य रूप से हम देखते हैं ना, सब ऐसा कहते हैं, सब एक समान है। जो धनी व्यक्ति है धनी के साथ रहते हैं, जो विद्वान वर्ग है वो उनके समान, उसी लोगों के सम्मति में रहता है। तो ये बाह्य रूप से हम कह रहे हैं सब एक समान है, एक समान है, लेकिन शारीरिक रूप से कभी भी हम एक समान नहीं हो सकते। शास्त्र में इस जगत को कहते हैं द्वैत, द्वैत मतलब भेद, इस जगत में कभी भी एक नहीं हो सकता, यह जगत ही भेद है। जैसे दिन है रात है, सुख है दुख है, गर्मी है सर्दी है, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कभी दुख होगा ही नहीं, सुख ही सुख होगा, इस जगत की अवस्था है। तो भौतिक स्तर पर बहुत सारा प्रयास हो रहा है सब कुछ एक करने का, वो हो नहीं सकता है। आध्यात्मिक स्तर पर संभव है, कृष्ण भावनामृत के स्तर पर। जैसे कई बार मंदिर में कोई लोग आते हैं ऐसा कहेंगे सब एक समान है, सब एक समान है, लेकिन फिर यहां कहेंगे पंडित जी आप लोग गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं, हमारे घर पुण्यतिथि है तो आप लोग गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं, तो कहां है समदर्शन, सब एक समान होते थे ना, कहां समदर्शन है। कृष्ण भावनामृत के स्तर पर समदर्शन है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं हमारे लिए तो सभी गरीब है, जिसके पास कृष्ण भावनामृत नहीं है वो व्यक्ति गरीब है। एक कृष्ण भावनामृत व्यक्ति, समदर्शी व्यक्ति कभी भेद नहीं देखता कि प्रसाद इस गरीब व्यक्ति को देना और इस धनी व्यक्ति को जिसके पास मर्सिडीज है, इसको प्रसाद की आवश्यकता, उसे भी प्रसाद की आवश्यकता है क्योंकि वो भी दुखी है, और एक गरीब व्यक्ति है बाह्य रूप से जिसके पास धन नहीं है वो भी दुखी है कृष्ण से विमुख होकर। तो कृष्ण भावनामृत के स्तर पर वास्तविक समदर्शिता संभव है, वरना संभव नहीं है। वास्तव में समदर्शिता के नाम पर केवल शोषण हो रहा है, क्योंकि लोग बुद्धिमान नहीं है इसलिए इस मूर्ख विचारों में फंसते हैं। जैसे हम देखते हैं आजकल बहुत सारी चीजें, कुछ समय पहले यह आया था हैश मी टू, कैसे शोषण हुआ, सब समान है, पुरुष समान है स्त्री समान है, पुरुष घर के बाहर जाएंगे स्त्री भी घर के बाहर जाएंगे, पुरुष नाइट शिफ्ट में काम करेंगे स्त्री भी नाइट शिफ्ट में काम करेंगे, सब एक समान। लेकिन एक समान संभव नहीं है, प्रकृति, श्रील प्रभुपाद समझाते हैं प्रकृति ने भेद दिया है, ये कोई दंभ और अहंकार की बात नहीं है, प्रकृति ने किसी को एक प्रकार का शरीर दिया है, प्रकृति ने किसी और को दूसरे प्रकार का शरीर दिया है, और उस शरीर के अनुसार कार्य करना ये स्वाभाविक है। तो हम देखते हैं क्या ये समदर्शिता में सब समान है, वास्तव में क्या होता है, शोषण होता है। कौन शोषण करते हैं, कौन शोषण करते हैं, जो इसका नारा लगाते हैं, जो कहते हैं सब समान, नारियों का समान अधिकार, उनको सब सुविधाएं मिलनी चाहिए, वही लोग शोषण करते हैं। तो ये कहां समदर्शन है, समदर्शन नहीं है, ये स्वार्थ है वास्तव में। न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, ये वास्तव में जानते नहीं है क्या करना क्या नहीं करना। तो ये भौतिक धरातल पर ऐसी चीजें चलती है। यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र, सब समान, सब देशों का समान अधिकार, अमेरिका जिसको चाहे उसको बॉम्ब डाल दे, जिस देश में चाहे उस देश की सरकार की सत्ता पलट दे, अपने
किसी व्यक्ति को वहां प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त करें, अमेरिकन कंपनीज वहां से जितना चाहे उतना तेल निकाल ले, अगर वो देश उसकी बात नहीं मानेगा तो बाहर से इंटरनेशनल सैंक्शन डालकर उसकी आर्थिक व्यवस्था को पूरा तोड़ दिया जाता है, और फिर नारा लगाते हैं कि सब समान है, एवरीथिंग इज इक्वल। तो ये समदर्शिना संभव नहीं है। ये समदर्शिना या समदर्शता ये कब संभव है? केवल कृष्ण भावनामृत के स्तर पर ही संभव है। दो प्रकार के दर्शन है इस जगत में, इस जगत को दो रूप से देख सकते हैं, एक है जगत दर्शन, एक है गोलोक दर्शन। तो ये जो सामान्य दर्शन है जगत दर्शन, ये जगत दर्शन क्या है? मैं भोक्ता हूं, मैं एंजॉयर हूं। हम समदर्शिता की बात करेंगे, लेकिन मुख्य विचार क्या है? भारत पाकिस्तान एक समान। फिर सोचेंगे तो ऐसा है क्योंकि मैं शारीरिक पहचान, मैं भोक्ता हूं, और ये भोक्ता से तुरंत ही पहचान है कि मैं ये शरीर हूं, मैं भारतीय हूं, मैं इस समाज का हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। तो उस अवस्था में कभी भी समदर्शिता संभव नहीं है। दूसरा दर्शन है गोलोक दर्शन, जो वास्तविक दर्शन है, चीजों को यथारूप समझना। ये जगत मेरा स्थान नहीं है, ये जगत मेरी संपत्ति, ये जगत किसका है? कृष्ण का है। ईसा आवास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, सब कुछ कृष्ण का है। और क्योंकि सब कुछ कृष्ण का है, इसलिए हर एक चीज कृष्ण की सेवा में नियोजित होनी चाहिए, हर एक चीज का उपयोग होना चाहिए कृष्ण की सेवा के लिए। तो यह है वास्तविक दर्शन, गोलोक दर्शन। इस अवस्था में सब कुछ समान है, इस अवस्था में हम समझ सकते हैं कि वास्तव में हम स्वामी नहीं है, मैं स्वामी नहीं हूं, आप भी स्वामी नहीं है, एक ही स्वामी है कृष्ण, और हम सब समान हैं कृष्ण की सेवा करने में। हर एक जीवात्मा का अधिकार है कृष्ण की सेवा करना, यहां पर समानता हो सकती है। इसलिए जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो वास्तविक पंडित है। पंडित कौन है? पंडित मतलब ये नहीं कि जो खाली पुस्तकें पढ़ता है, ऐसे भगवद्गीता पढ़ लिया, श्रीमद् भागवतम पढ़ लिया, केवल इस प्रकार से नहीं, लेकिन वास्तव में इन चीजों का साक्षात्कार है। तो जो वास्तविक पंडित है वो जानता है कि हर एक जीवात्मा को क्या दुख है, वो कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करता है और लोगों को कृष्ण भावनामृत प्रदान करने का प्रयत्न करता है। ये वास्तविक पंडित है। पंडित मतलब ये नहीं ज्ञान मेरे तक सीमित है। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, स्मरतः स्मारयन्तश्च, स्वयं कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करना और अन्य लोगों को कृष्ण भावनामृत देने का प्रयास करना, ये वास्तव में समदर्शिना व्यक्ति के लक्षण है। तो ये कृष्ण भवन आंदोलन में आप देखेंगे ये पूरा प्रयास है ना, भक्त पूरा प्रयास करते हैं कि हर एक जीव का कैसे लाभ हो, कैसे कृष्ण भावनामृत जो वास्तव में हर एक जीव की मूल आवश्यकता है कैसे सब तक पहुंचे। श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर कहते हैं इस जगत में एक ही चीज की कमी है, जो लोग नहीं जानते वो कहते हैं पैसों की कमी है, अन्न की कमी है, वर्षा की कमी है, बारिश नहीं हो रही है ना, वर्षा की कमी है। लेकिन कमी क्या है? मूल कमी है कृष्ण भावनामृत की। कृष्ण को नहीं जानते इसीलिए सब कमी है। ये जो भ्रष्ट आचरण है, भ्रष्ट आचरण का कारण है मूल आचरण ही भ्रष्ट हो चुका है। जैसे यहां कहते हैं सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, पिता के साथ दुर्व्यवहार करके आए हैं और यहां कैसे अच्छा व्यवहार करेंगे? श्रील प्रभुपाद ये उदाहरण देते हैं ना, बूटी बूटी मतलब चोर लोग हैं, सबके घर में डाका डालते हैं, सबका पैसा चुरा लेते हैं, बहुत 100-200 घर में चोरी किया, सब धन एकत्रित किया, फिर जंगल में जाके कहते हैं चीटिंग नहीं, सबका हिस्सा एक समान अच्छे से बांटो, ऑनेस्ट, सबका हिस्सा एक समान बांटो। तो हमारी स्थिति क्या है? ये पूरा जगत है कृष्ण का, एक ही स्वामी है कृष्ण, वही चीज को नहीं मानकर जो मूल स्वामी है उनका विद्रोह करके हम सब इस जगत में आए स्वामी बनने के लिए,
समझ बैठे ये जगत मेरा है, ये जगत मेरे भोग के लिए है, और यहां हम कहते हैं सबका आचरण अच्छा होना चाहिए, एक दूसरे को समान सम्मान देना चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति की चीजों पर आक्रमण नहीं करना है। सब ने मिल बैठकर कृष्ण की संपत्ति पर आक्रमण कर रहे हैं। वास्तव में कृष्ण देते हैं, एक पिता क्या है, पिता की संपत्ति का अधिकार है पुत्र के पास, एक पुत्र है उसका अधिकार है पिता की संपत्ति उसी के लिए। हाँ, लेकिन यहां हमारा क्या विचार है, हम पिता की संपत्ति चाहते पिता को नहीं चाहते। जैसे हम पिता घर में चले जाए बोले पिताजी ये घर दे दीजिए और आप निकल जाइए यहां से बाहर, ये हमारी स्थिति है। सब लोग ऐसा परफेक्ट जगत चाहते हैं, लेकिन उस जगत के जो परफेक्ट व्यक्ति हैं वो नहीं चाहते हैं। भगवान मुझे ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, और भगवान को कौन मांग रहा है, कोई नहीं। कृष्ण का नाम टाइम कहाँ है पूरे, हमारे पास टाइम ही नहीं है भगवान का नाम लेने के लिए, इतने व्यस्त हैं हमारे इंद्रिय सुख में। तो ये स्थिति है। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है इस जगत की एक ही कमी है, कृष्ण भावनामृत की, और कोई कमी नहीं है। इसलिए वो पूरा प्रचार करता है समदर्शन से, गरीब अमीर बड़ा छोटा विद्वान अनपढ़ हर एक के पास जाता है कृष्ण भक्ति प्रदान करने के लिए। तो आज के जगत में इसका अभाव है, इसलिए बार बार लोग पूछते हैं आप जगत के लिए क्या करते हैं, स्कूल खोलते हैं, उनको लगता है स्कूल, कुछ वर्ग के पास स्कूल नहीं है उनको स्कूल में पढ़ाएंगे उनको लाभ हो जाएगा, किसी को कपड़े देने से, किसी को कुछ मध्यान्ह भोजन दोपहर का खाना खिलाने से देश का प्रगति होगा, इससे लाभ हो जाएगा, कोई बीमार को दवाई देने से दवाई खिलाओ तो ठीक हो जाएगा। लेकिन कृष्ण भावना व्यक्ति यथोचित चीजों को जानता है। श्री प्रभुपाद कितना स्पष्ट समझाते हैं कि कैसे वो समदर्शी हैं, इसका कारण परमेश्वर के साथ उनका संबंध है और परमेश्वर परमात्मा के रूप में हर एक हृदय में स्थित है। परम सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक ज्ञान है जहां तक विभिन्न जातियों या विभिन्न योनियों के शरीर का संबंध है। भगवान सबों पर समान रूप से दयालु है, वास्तव में दया भगवान करते हैं। हम रोटी खिलाने से, दवाई देने से, कपड़े देने से कल्याण नहीं कर पाएंगे। प्रहलाद महाराज जो वास्तविक समदर्शी व्यक्ति है वो कहते हैं ना, नरसिंहदेव से प्रार्थना करने में कहते हैं कि एक डॉक्टर चाहे तो अपने मरीज को नहीं बचा सकता, माता पिता चाहे तो अपने बच्चों को नहीं बचा सकते, एक नाविक चाहेगा तो अपने नाव को नहीं बचा सकता। जब तक हे नृसिंहदेव आपकी अनुकंपा नहीं है तो इस जगत के किसी भी जीव का कल्याण केवल भगवान के माध्यम से हो सकता है। और समदर्शी व्यक्ति प्रयत्न करेगा कैसे इस जगत के हर एक जीव भगवान के शरण में आए, ये उसका प्रयास होगा। तो ये इस आंदोलन का पूरा उद्देश्य है, लोगों तक जाना। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रति घरे घिया करा ऐ भिक्खा, हर घर जाना खटखटाना और उनसे कहना बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्ण सिखा। वास्तव में कृष्ण के आश्रय में आइए गंभीरता से, ऐसा नहीं कि सप्ताह में एक बार आना और 6 दिन टीवी और ये शॉपिंग मॉल और वो शॉपिंग मॉल और इन सब में हमारा जीवन निकालना। समदर्शी व्यक्ति जानता है चीजों को यथारूप। तो गंभीरता से कृष्ण भक्ति स्वयं जन्म सार्थक करीब करो परोपकार, इस कृष्ण भक्ति को गंभीरता से अंगीकार करना, अपना जीवन सार्थक बनाना और अन्य लोगों को भी कृष्ण भक्ति प्रदान करना। एक और चीज यहां महत्वपूर्ण श्री प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, समदर्शी। कई बार लोग क्या है अपने आप को इतना बड़ा समदर्शी बताते हैं, सब एक हैं, हम तो शरीर का भेद ही नहीं देखते। सही कहा, एक ब्राह्मण एक गाय एक हाथी सब एक समान है, सबके अंदर जीवात्मा है और जीवात्मा ही परमात्मा है और मैं भी वही हूं, ये एक और अज्ञान है, एक और अज्ञान। वास्तव में समदर्शिना व्यक्ति जानता है भगवान भगवान है और मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान का अंश गुणात्मक रूप से भगवान के समान, जैसे समुद्र और समुद्र की बूंद, भगवान है पूर्ण आध्यात्मिक चिन्मय आनंदमय भ्यासा सच्चिदानंद विग्रह, भगवान सत है
मैं सत हूं, भगवान नित्य है, मैं नित्य हूं, भगवान चिन्मय है, मैं चिन्मय हूं, ये जानते हैं गुणात्मक रूप से। लेकिन ये भी भली भांति जानते कि मात्रात्मक रूप से भगवान विभू है और मैं अणु हूं। वास्तव में इनके हृदय में कपटता है भगवान बनने की, इसलिए समदर्शन के नाम पर, उदारता के नाम पर, सत्य में इतना उदार हूं कि मैं भी भगवान हूं, तुम भी भगवान हो, सबको भगवान बना देंगे। हाँ, तो ये वास्तव में सुदर्शन नहीं, दूरदर्शन, ये अच्छा दर्शन नहीं है। तो भगवान इन सब चीजों का यहां खंडन कर रहे हैं। तो केवल कृष्ण भावनामृत के स्तर पर हम चीजों को यथारूप जान पाएंगे कौन क्या है, और इस प्रकार से उचित व्यवहार कर पाएंगे। हरे कृष्णा। अगर आपके कोई प्रश्न है इस विषय पर तो पूछ सकते हैं। किन पे ध्यान लगाना चाहिए? कुछ लोगों को हम कृष्ण भक्ति देने का प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन उनकी रुचि नहीं है। तो ऐसा उदाहरण होता है कि जब युद्ध भूमि में दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध होता है तो दोनों पक्ष में सैनिक घायल हो रहे हैं, तो जो डॉक्टर है, जो ट्रीटमेंट कर रहा है, वो देखता है कौन बच सकता है, क्योंकि इतने सारे सैनिक घायल है और मैं सबको तो ध्यान नहीं दे पाऊंगा, तो किसको पहले ध्यान दिया जाए जिसमें बचने की संभावना है, जिन जिनमें बचने की संभावना नहीं है उनको। तो ये जो कृष्ण भावना में समदर्शिता जो है, सबको एक समान देखना और इस प्रकार से कृष्ण भावना में देना जिनमें उनका परम कल्याण हो, इसमें एक महत्वपूर्ण चीज है ये समझना कि कृष्ण देना साथ साथ कृष्ण भावना में स्वयं ग्रहण करना। ऐसी स्थिति नहीं हो जाएगी कृष्ण भावनामृत देने में हमारी कृष्ण भावनामृत छूट जाए। हम ऐसे लोगों के बीच में जाते हैं कृष्ण भावनामृत देने के लिए, हमारा शक्ति है नहीं और वो ही हमको कृष्ण भावनामृत से दूर ले जाता है, या उनकी रुचि नहीं है या हमारी क्षमता नहीं है। तो देखना चाहिए कि हमारा कृष्ण भावनामृत उससे प्रभावित नहीं हो। इसीलिए भक्ति के अलग अलग स्तर हैं, तो कम से कम हमको ये मध्य अवस्था में वर्णन है कि कौन कृष्ण भावनामृत ग्रहण करना चाहता है, मतलब जैसे बालक है जो सीखना चाहता है, उस वर्ग को पहचानना, और एक वर्ग है जो सोचता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, कोई भगवान नहीं है, कोई कृष्ण है, वो द्वेषी, उससे दूर रहे। तो हमारा समय शक्ति, एक उन्नत वैष्णव जो है वो किसी वर्ग के मध्य में जाकर उन सबको कृष्ण भक्ति दे सकता है। कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पारो तुम्हारा शक्ति आछे, ऐसे महान वैष्णव की शक्ति है। लेकिन हम जो साधक हैं, हम भक्ति में जीवन में प्रयास कर रहे हैं, तो हमारे लिए चेतन मार्ग बताते हैं असत संगत्या ऐ वैष्णवाचार। ये जो कृष्ण भक्त है उनसे तो दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि उनके बीच जाएंगे कृष्ण भक्ति देने के लिए हमारा छूट जाएगा। तो ये देखना चाहिए हमारा समय कहां जा रहा है। हम घंटों घंटों समय दे रहे हैं हमारा जब छोड़ के, हमारी पढ़ाई छोड़ के, और उस व्यक्ति कोई रुचि नहीं है, तो ये वर्तमान स्थिति नहीं है। इसलिए मार्गदर्शन में ये जो प्रचार का कार्य है वो मार्गदर्शन में होना है। प्रचार कैसे करना ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये सब जानना चाहिए, कैसे प्रचार करना, किन को प्रचार करना। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की। तो अभी रथ यात्रा आ रही है, हमें समझना है हर एक जीव के हृदय में जीवात्मा है और कैसे अधिक से अधिक जीव भगवान की सेवा में आए। 13 जुलाई को रथ यात्रा है। रथ यात्रा में क्या होता है, यही प्रयास है ना, अधिक से अधिक श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का वितरण, बहुत सारे भक्त पुस्तक वितरण करेंगे,
सब भगवान का दर्शन करेंगे, हरि नाम कीर्तन सुनेंगे, अधिक से अधिक मात्रा में कृष्ण प्रसाद वितरित होगा, तो सभी भक्तों को उसमें पूर्ण रूप से भाग लेना है। तो इसकी जानकारी हम इस कार्यक्रम के अंत में देंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।